हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, अभी चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आपका। तो किस तरह से हमने देखी कि वॉइस सी रूट, और किसने यह करा है? गॉर्डन कुक ने। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले 200 इयर्स अर्लियर किसने करी थी? वॉइस मेड बाय जेम्स कुक। क्लियर बच्चों? तो उन्होंने 200 इयर्स पहले करा था, और अब उन्होंने डिसाइड करा था अपनी फैमिली के साथ हाउ टू कंप्लीट द, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने के लिए आई है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैप्टन जेम्स कुक की जो उन्होंने वॉइस करी थी 200 इयर्स अर्लियर, अब किसने कौन कर रहे हैं बच्चों? गॉर्डन कुक वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, अपनी बोट से, और उनके बोट का नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर। तो ये कई बार मैंने रिपीट करा है, अब सब बच्चों को लर्न हो गया होगा। तो कैसे उन्होंने वर्ल्ड जो है ट्रिप शुरू करी थी, कहाँ से करी थी बच्चों? फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड से। क्लियर? और फर्स्ट फेज किसने थे उन्होंने प्लेजेंटली ही कवर, बट जैसे ही वो कहाँ टर्न हुए थे बच्चों? ईस्ट की तरफ, और स्ट्रॉन्ग वेव्स किस तरह से उनको, उनकी वेव वॉकर को जो है किस तरह से हिट कर रही थी। तो कौन कौन थे ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे पूरा बताया है कि उनकी होल जो जर्नी थी इट वॉज अबाउट 3 इयर्स, राइट? 3 साल की थी। बट जो उनका फर्स्ट फेज था, कैसे उन्होंने कवर किया? 105,000 किलोमीटर, और इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे की पॉइंट्स भी दिए हैं, हाउ दे प्रिपेयर फॉर द वॉइस, फर्स्ट लेग ऑफ द वॉइस कहाँ से कहाँ तक था, हाउ दे कवर्ड इट प्रेजेंटली, दे कवर्ड फर्स्ट लेग या फर्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी। ये भी बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ दिस। ये फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स आर गिवन हियर, तो आप इनको देखें बच्चों। तो कल हमने यहाँ पढ़ा था बच्चों, किस तरह से जो हमारा टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से ये क्या है, एक डायलॉग है, एक स्टेटमेंट है। तो उस समय हमारा क्लियर नहीं हुआ था, बट अब जस्टिफाई हो गया कि किसने ये कहा है। तो किसने कहा है बच्चों? जोनाथन ने जो है स्टेटमेंट कहा है, और किसको कहा है? अपने फादर को, कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। यू और कौन है ऑल? ऑल में कौन कौन, किसको इंक्लूड किया है? तुम, पापा, मम्मी, सिस्टर और हिमसेल्फ। यू एंड मम्मी, सू एंड आई। आई कौन है यहाँ पे बच्चों? जोनाथन। आई पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन determined to fight the sea with everything I had. अब ये उन्होंने कहा था, और यहाँ पे I किसके लिए यूज हुआ है? अब जो I यूज हुआ है that refer to author, narrator. अब वो कह रहे कि उन्हें पता था कि किस तरह से जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट कर रही है उनकी वेव वॉकर को। तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? इम्प्रोवाइज सी एंकर, जो उनका एंकर था मेन, वो क्या हो गया था? डिस्ट्रॉयड हो गया था, राइट? बट अब उन्होंने जो सामान उनके पास था उससे उन्होंने एक क्या बनाया? एंकर बनाया, हैवी नायलॉन, डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। जितनी भी चीजें थी उनके पास, वो सारी चीजें उन्होंने यूज करके एंकर बनाया। फॉर बोट साइड आई डिसाइडेड टू रो विद 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। अब यहाँ पे बैरल्स ऑफ पैराफिन क्या है बच्चों? पैराफिन एक लिक्विड है, उसके बैरल्स को जो है उन्होंने यूज करा। कहाँ पे यूज किया? टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोट। अब पहले भी हमने डिस्कस करा था कि स्टार बोट क्या होता है, राइट साइड ऑफ द बोट। क्लियर? तो जो पार्ट उसका वीकेंड था, कमजोर था, डिसाइडेड टू रोप, वहां से उन्होंने रोप से बांधने के लिए व्हाट दे यूज टू रोप एंड दो लिए उन्होंने बैरल, 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो किस टाइप के लिए बच्चों? लेट्स सी। तो इस टाइप के जो है उन्होंने बैरल्स लिए, और इनको किससे टाइट करा है? रोप से, राइट? टू बैलेंस या भी जो पार्ट था स्टार बोर्ड का, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या प्रोटेक्ट द
वीकेंड पार्ट ऑफ द स्टारबोर्ड साइट। क्लियर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने पढ़ा बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जैसे ही वो टर्न हुए थे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी, राइट वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या बिगनिंग ऑफ द ट्रबल या स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ा था, लेट्स डिस्कस। तो ये जो पॉइंट्स आर गिवन जो आपके चैप्टर में नहीं है वो आपको जो है जरूर रीड करें दीज पॉइंट्स। क्लियरली बच्चों, इट इज क्लियर टू यू? तो फर्स्ट क्या है बच्चों, हेडिंग बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट के तरफ जब गए थे उससे पहले, बिफोर हेडिंग ईस्ट दे टुक टू एक्सपीरियंसेस। अब ईस्ट की तरफ गए थे तो उन्हें जो है पहले ही दे जो है वो प्रिपेयर थे, दे वर प्रिपेयर्ड, और उन्होंने क्या करा था, दे हायर टू एक्सपीरियंस सेलर। कौन कौन थे बच्चों, ये भी पहले हमने कई बार डिस्कस किया, लैरी विजल एन अमेरिकन, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हर्ब सिगलर अ स्विस टू टैकल वन ऑफ द, क्योंकि उन्हें अब कहाँ जाना था, टू फेस द रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशन। तो ऑलरेडी दे हायर टू एक्सपीरियंस सेलर। बिगनिंग ऑफ द ट्रबल, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। गेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स, किस तरह से उन्होंने उसको फेस करा था और आगे वाले दिनों में भी किस तरह से वो कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। द नरेटर वॉज नॉट वरीड, अब जैसे हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि नरेटर वॉज नॉट वरीड अबाउट द स्ट्रॉन्ग विंड या स्ट्रॉन्ग वेव्स गेल, बट द साइज ऑफ द वेव्स, जैसे हमने पढ़ा था कितनी थी, 15 मीटर हाई थी, पर धीरे धीरे डबल होती जा रही थी, तो ही वॉज वरीड अबाउट द साइज ऑफ द वेव्स अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मास, तो पूरे मास को वो कवर कर रही थी, तो दैट इज व्हाई ही वाज वरीड। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरह से आप जो है इमेजिन कर सकते हो कि उस समय कितनी स्ट्रॉन्ग गेल्स आ रही थी या जो है वाटर वेव्स थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोट है और पानी में किस तरह से अप एंड डाउन कर रही है, और जैसे हमने पढ़ा था कि वेव के साथ वो मूव कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना डेंजरस जो है व्यू होगा उस समय, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस दीज पिक्चर्स। दिसंबर 25 ऑलरेडी हम रेड कर चुके हैं कि हाउ दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, बट उसके बाद जो है उन्हें होप थी कि वेदर चेंज होगा, बट चेंज हुआ, क्या हुआ था, और भी वर्स्ट हो गया था। रियर 35 किलोमीटर, अब 35 किलोमीटर कहाँ से चले थे, ईस्ट ऑफ केप टाउन, प्लायमाउथ से जो है किस तरह से उन्होंने अपनी स्टार्ट करी थी जर्नी, अब उन्होंने कितना कवर करा है केप टाउन से, राइट, ईस्ट ऑफ केप टाउन। एट्रोसियस वेदर, वेदर क्या था, बहुत ज्यादा कैसा था, वर्स्ट था। डिस्पाइट बैड वेदर हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, खराब वेदर था बट स्टिल जो है फिर भी उन्होंने क्या करा, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, क्योंकि बच्चे थे तो उन्होंने डेकोरेट करा, क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करा एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस। वेदर कंटिन्यू टू वर्सन, मीन्स वेदर जो है सही होने के बजाय और ज्यादा बर्स्ट, ये वर्सन होता जा रहा है, राइट। जनवरी 2 द फर्स्ट कैलामिटी, अब कौन सा डे आ गया, सेकेंड जनवरी, फर्स्ट जनवरी का हम ऑलरेडी रेड कर पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट जनवरी में जैसे उन्हें होप थी नया साल था, बट वेदर कैसा था, बहुत ज्यादा खराब था, और कंटिन्यूड क्या हो रहा था, ये और ज्यादा वर्स्ट हो रहा था। वेदर कंटिन्यू टू वर्सन जनवरी 2 द फर्स्ट कैलामिटी, जो फर्स्ट कैलामिटी, द कंडीशन वर्सन, वेव्स बिकेम जिजांटिक एंड द विंड्स वर स्क्रीमिंग, वेव्स जो क्या हो रही थी बच्चों, डबल का जो हमने पहले पढ़ा था 15 मीटर्स की हो रही थी, अब वेव्स क्या हो रही थी, डबल मीन्स 30 मीटर अब, और जो विंड्स थी देवर स्क्रीमिंग, हवा जब शांत जगह होती है बच्चों तो क्या होता है, हमें जो है हवा चल रही है उसकी भी आवाज सुनाई देती, तो यहाँ पे क्या था, वेव्स जो है बहुत ऊंची ऊंची जा रही थी, एज हायर एज द जो उनका मास था उससे भी जो है हाई जा रही थी,
और जो विंड सी दे वर स्क्रीमिंग, आवाज आ रही थी जोर जोर से विंड की, कितना हॉरर होगा आप लोग जो है इमेजिन कर सकते हैं। दे वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल जिप, अब उनके पास सिर्फ एक जो है स्मॉल जिप थी, स्टॉर्म जिप, राइट। दे वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, स्पीड कितनी थी, नॉट्स क्या है स्पीड की जो है यूनिट ऑफ द स्पीड। दे फेस इनॉर्मस वेव्स, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ी बड़ी जो है वेव्स को फेस कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करा, वो दे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी भी रेड हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ओनली पॉइंट्स आर गिवन, तो इनको ही आपको याद करना है। तो पहला पॉइंट क्या था कि वेदर क्या था, बहुत ज्यादा वर्सेंट हो रहा था, खराब हो रहा था, विंड जो है स्क्रीम कर रही थी, वेव्स क्या थी बहुत ह्यूज थी। टू स्लो द बोट दे ड्रॉप टिप, अब बोट की स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 8 नॉट्स की स्पीड थी। टू स्लो द बोट दे ड्रॉप जिप, अब उन्होंने जो है स्टॉर्म जिप को वहां पे ड्रॉप किया। वेंट थ्रू लाइफ रेफ्टल्स अटैच लाइफ लाइन डोंट ऑयली स्किन, जो जो उन्होंने करा था वही यहाँ पे लिखा है, हम ऑलरेडी इट हैज बीन जो है हम पढ़ चुके हैं रेड। एंड लाइफ जैकेट वेटेड इन Apprehension of the approaching storm. तो पूरी उन्होंने तैयारी कर ली थी, प्रिपरेशन कर ली थी, ऑयल स्किन कपड़े जो हैं ऑलरेडी वो पहन लिए थे उन्होंने, लाइफ जैकेट्स ले ली थी और स्टॉर्म जीप को ड्रॉप कर दिया था। इम्पेंडिंग डिजास्टर, अब ये हम पढ़ा था हमने बच्चों, कौन कौन से जो है स्टॉर्म या वेव्स, व्हाट टू हैपन, क्या होने वाला था, लेट्स सी। फर्स्ट इंडिकेशन क्या था बच्चों, केम अराउंड 6 PM विद ओमिनस साइलेंस, क्योंकि एक डेंजर आने से पहले क्या था, चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति थी। द विंड ड्रॉप, हवा जो है चलनी बंद हो गई थी। सेकेंड पॉइंट क्या है, द स्काई ग्रू डार्क, दे वर अप्रोच बाय ए क्लाउड लाइक वेव, बट जैसे उन जो है उन्होंने क्या सोचा था, दे थॉट दैट इट वॉज अ क्लाउड, बट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, क्या था बच्चों, इट वॉज वेव, क्लाउड लाइक वेव। द थंडरस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और किस तरह से उन्होंने जो है किस तरह से शुक शेक शुक करा किसको, डेक को, फ्लोर ऑफ द बोट। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है करंट जिसमें पानी कैसा था, ग्रीन एंड वाटर किसके ऊपर आई, शिप के ऊपर। द ऑथर्स हेड, अब इतनी जोर से स्ट्राइक करा था जो कि जो ऑथर थे नरेटर उनका क्या हुआ, हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो बोट की व्हील थी उससे टकराया। ही वाज फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो वेव्स जो पानी कवर कर रहा था बोट को उसके उस पानी में वो क्या कर रहे थे, सिंक हो रहे थे, डूब रहे थे। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, क्या हो रहे थे वो, अनकॉन्शियस हो रहे थे। एंड एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ, और उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी डेथ जो है अप्रोच कर रही है डेफिनेटली, क्योंकि वो सिंक करते जा रहे थे पानी के अंदर, जो उनकी बोट में पानी आ गया था उसकी वजह से ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, द नरेटर है पॉप आउट ऑफ द वॉटर, और किस तरह से पॉप आउट मीन्स वहां से बाहर निकले, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ए वेव, वे वॉटर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मीन्स मैंने बताया था कि आपको पानी में जो है डूब रही थी, सिंक कर रही थी, कवर कर रहा था वॉटर उसको। मास वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, अब जो मास वर्टिकल था वो कैसा हो रहा था बच्चों, हॉरिजेंटल, इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वेव्स थी कि जो उनकी बोट थी वो पूरी जो है कैसी हो गई, उनका मास जो था, मास कैसा होता बच्चों, वर्टिकल, और अब कैसा हो गया था ये हॉरिजॉन्टल। ही सॉ वेव वॉकर टू बी ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग व्हेन अनदर ह्यूज वेव टर्न, अब उनकी बोट ऐसे थी बच्चों, ऑब्वियसली अप एंड डाउन कर रही थी राइट, बट जैसे ही यहाँ पर जो है स्ट्राइक करा वेव ने, ये जो इनका मास था कैसा हो गया बच्चों, वर्टिकल, और शिप किधर हो गई, ऊपर। सडनली क्या हुआ, यहां से एक स्ट्रॉन्ग विंड आई और फिर से जो मास था वो क्या हो गया, अपराइट मीन वर्टिकल, फिर से ये ऐसे हो गया।
क्लियर। तो यहां से वेव आई विद स्ट्रॉन्ग वेव, उसने इसको क्या करा, हॉरिजॉन्टल कर दिया मास को, बट इट इज स्ट्रॉन्ग वेव आई और उसने क्या करा, वेव टर्निंग अपराइट अगेन, फिर से उसको सीधा कर दिया। क्लियर। हिज लाइफ जैकेट टॉस, ही ग्रैब द गार्ड रेल ऑफ द बोट एंड सेल्ड इनटू द मेन बूम ऑफ द बोट। बोट और किस तरह से उन्होंने ग्रैब मीन्स पकड़ के, गार्ड रेल्स जो रेलिंग्स लगी रहती है शिप में या बोट में, उनको पकड़ के किसी तरह से कहां तक पहुंचे वो, मेन बूम ऑफ द बोट। द वेव्स दैट वर पोरिंग इनसाइड वर सो पावरफुल, जो वेव्स थी, वाटर वेव्स थी, वो किस तरह से पोर कर रही थी, अंदर जा रही थी, इनसाइड द बोट, ही गॉट टॉस अलोंग द डेक लाइक अ रैग डॉल। और यहां पे आकर कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पावरफुल थी कि उन्हें लग रहा था कि एक रैग डॉल फटी हुई, जो गुड़िया होती है डॉल की तरह, वो इधर से उधर उछल रहे हैं। ही लेफ्ट रिब्स, और उनकी जो लेफ्ट रिब थी, लेफ्ट रिब क्या हो गई थी, क्रैक्ड, टीथ वर ब्रोकन और माउथ वॉज फिल्ड विद वॉटर, सॉरी ब्लड, हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड। ही समहाउ फाउंड द व्हील, लाइंड अप द नेक्स्ट वेव एंड वॉज फुली डिटरमाइंड टू फेस द नेक्स्ट वेव। और किसी तरह से उन्होंने जो है व्हील को पकड़ा और बैलेंस करने की कोशिश करी। देयर वॉज वॉटर ऑल अराउंड एंड द नरेटर वॉज एंशियस दैट इट हैड फिल्ड द लोअर पार्ट ऑफ द शिप। अब क्या था, सारी जगह क्या था बच्चों, इट वॉज वॉटर एवरीवेयर। अब किस चीज की चिंता थी, क्योंकि लोअर पार्ट में क्या हो गया था बच्चों, उस पानी भर गया था। क्लियर। सो दैट इज व्हाई ही वाज वरीड, ही डिड नॉट डेयर टू लीव द व्हील टू एग्जामिन द डैमेज पार्ट्स। अगर वो जो है व्हील को छोड़ देते तो क्या होता बच्चों, बोट डिसबैलेंस होती। दैट इज व्हाई उन्होंने जो है हिम्मत नहीं करी व्हील को छोड़ने की। ही डिडंट डेयर टू लीव द व्हील टू एग्जामिन, की ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ बोट में डैमेज हुआ है। क्लियर। तो ही डिडंट डेयर मीन्स हिम्मत नहीं करी टू लीव द व्हील, क्योंकि अगर व्हील को छोड़ देते तो उन्हें लगा था कि इट माइट बी, हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए। एग्जामिन द डैमेज पार्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मैरी शाउटेड दैट द डैक्स वर ब्रोकन एंड दे वर सिंकिंग। अब मैरी कौन है बच्चों, उनकी वाइफ का नाम है मैरी। वो चिल्लाई, क्यों चिल्लाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दे वर सिंकिंग, क्योंकि पूरी बोट में क्या हो गया था बच्चों, पानी भर गया था, फिल्ड विद वॉटर। The narrator asked Mary to take charge of the wheel and he rushed outside and saw that Larry and her were pumping water out frantically, या जो है successfully जो है वो, या इतना जो है मेहनत से क्या कर रहे थे, they were pumping out the water from the boat. Clear बच्चों। तो यहाँ पे क्योंकि पहले वो है नहीं छोड़ रहे थे व्हील को, बट जैसे ही मैरी आई, the narrator asked her to take the charge of the wheel. Clear? और उन्होंने देखा कि किस तरह से लैरी और हब पंपिंग द वॉटर फ्रॉम द बोट। ए लॉट ऑफ थिंग्स वर फ्लोटिंग नॉइजली अराउंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वॉटर। सारी चीजें जो है क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, क्योंकि पानी क्या था, एक्सेस में था, बहुत ज्यादा था। द नरेटर वॉज पैनिकली एंड स्ट्रगल थ्रू वॉटर टू हिज चिल्ड्रन केबिन टू चेक ऑन दैट। अब क्योंकि नीचे वाले पार्ट में पूरा पानी भर गया था, तो चेक कि अब वेदर द चिल्ड्रन वर सेफ और नॉट, कहाँ गए वो, क्रॉल करते के करके या हाफ स्विम करके, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किस तरह से ही रीच, कहाँ पहुंचे वो चिल्ड्रंस कैबिन। द नरेट हिज चिल्ड्रंस कैबिन टू चेक ऑन देम, चिल्ड्रन आर सेफ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, हमने देखा था ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दीज आर द की पॉइंट ऑफ द चैप्टर। क्लियर। दे वर सेफ, सब जो है सेफ थे। Had settled on the upper bunk of the bed. Sue had a big bump. ये already हम पढ़ चुके हैं कि उसके जो है एक क्या था, big bump above the eyes. She did no fuss about it. He left the children's cabin as his chief concern was to save the wave walker. क्योंकि अभी he was not worried. उस समय वो worried नहीं था about Sue. अभी किसकी चिंता थी बच्चों, ऑब्वियसली टू सेव द वेव वॉकर, राइट, क्योंकि अगर वेव वॉकर को बचाएंगे तो सबकी लाइफ को ही कैन सेव। द स्टारबोर्ड साइड वाज स्ट्रक ओपन बिकॉज ऑफ विच दे वर टेकिंग मोर वॉटर। ही रियलाइज्ड दैट राइट साइड ऑफ द बोट,
He realized that if he did not make some repairs urgently, the boat would sink. उन्हें लग रहा था कि अगर वो रिपेयर नहीं करते हैं अर्जेंटली बोट को तो डेफिनेटली दे वुड सिंक. ही मैनेज टू कवर द गैपिंग होल विद कैनवस कैनवस एंड वाटर प्रूफ हेल्थ कवर. और किस तरह से उन्होंने कैनवस जो एक क्लोथ होता है वाटर प्रूफ, किस तरह से होल्स को कवर करने की कोशिश करी. ही कुड फाइनली प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम सीपिंग इन साइड. पानी जो है डिफ्लेक्ट होके सीधे कहाँ जा रहा था, सी में. तो इस तरह से दे कुड फाइनली प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इन साइड द बोट. द हैंड पंप, फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्री फ्लोटिंग अराउंड. जो कबाड़ था, रबिश था, उसने उनका हैंड पंप क्या हो गया था, ब्लॉक्ड हो गया था, वॉज नॉट वर्किंग. द इलेक्ट्रिक पंप भी क्या हो गया था बच्चों, शॉर्ट सर्किटेड. एंड द वाटर लेवल रोज Threateningly means frightenedly. किस तरह से उन्हें डरा रहा था कौन, पानी अंदर तेजी से जा रहा था. क्यों जा रहा था, क्योंकि हैंडपंप और इलेक्ट्रिक पंप जो है एक शॉर्ट सर्किट हो गया था और एक ब्लॉक्ड हो गया था विद डैबरी. और जो स्पेयर हैंडपंप था हेड रन ओवर बोर्ड अलोंग फॉर इसके सेल और जो भी सामान था छोटी जो है लाइफ बोट्स थी सबके साथ जो है वो मिल नहीं रहा था. Main anchor from the deck. He was lucky enough to get two more working electric pumps. और किस तरह से उन्होंने जो extra electric pump थे, किस तरह से outpipe से उसको attach करा, connect करा. They tried to get connected to mayday calls, but क्या हो रहा था बच्चों, mayday calls मैंने आपको बताया था कि जब ship या boat समुद्र में कहीं फंस जाते हैं, stuck हो जाते हैं, तो radio से एक call की जाती है to save them. That is called your mayday call. But all in vain because they were far away from the, क्योंकि वो remote area में थे जहाँ पर signal नहीं आते थे, right? A mayday call, यहाँ पे definition भी दी है बच्चों. A mayday call is a distress signal used during emergency procedures. It indicates life-threatening emergency, especially by navigators and mariners. जब भी कोई समुद्र में शिप या बोट कोई स्टक कर जाती है या फंस जाती है तो वहां पे एक रेडियो के थ्रू सिग्नल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर मेडे कॉल टू सेव देम. नेक्स्ट है बच्चों, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे उसका हमने यहाँ पे समराइज की पॉइंट्स देखे हैं यहाँ पे, तो वो पॉइंट्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो होल चैप्टर यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. क्लियर बच्चों, लेट्स कंटिन्यू. दैट इवनिंग मैरी एंड आई, अब यहाँ पे कौन कह रहा है कि उस मॉर्निंग में कौन कौन, मैरी उनकी वाइफ एंड आई, आई कौन है बच्चों, यहाँ पे नारीथर गोल्डन कुक्स, टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप. क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे दी थी कि किस तरह से टर्न करना किधर, टुवर्ड्स ईस्ट. और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था कि हम कहाँ पे जो है किस तरह से 180 डिग्री उन्होंने मूव करने के लिए बोला था अभी इन द प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था. क्योंकि उन्हें उन्होंने क्या देखा था कि टू जो है आइलैंड्स देखे थे. आइलैंड्स मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू द डेफिनेशन, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. एक का नाम क्या था, आई एम्स्टरडम. क्लियर, और वहां पे ये फ्रेंच था और साइंटिफिक बेस था, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करते. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. प्लैंक्स मीन्स जो लकड़ी के जो है पीसेस होते हैं जहां जहां टूट रही थी बोट. वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, क्योंकि पानी वहां से जो है कंटिन्यूअस अभी भी कहां जा रहा था, बोट में. तो उन्हें लग रहा था, वी बोथ मीन्स मैरी एंड नरीटर फेल्ट दैट, क्या फील फेल्ट, क्या लग रहा था उनको कि द एंड वॉज वेरी नियर. But we walker roll out the storm and by the morning of January 6th. But जो उनकी वेव वॉकर थी, थोड़ा उन्होंने जो है उसको रिपेयर करा था और किस तरह से जो होल्स है उनको ब्लॉक किया था, किसी तरह से रोल आउट द स्टॉर्म, किसी तरह से जो है वो किसी पार करती हुई कहाँ पहुंची, मॉर्निंग में उन्होंने देखा January 6th with the wind easing. Wind easing means हवा भी धीरे चल रही थी. I try to get a reading on the sextant. अब sextant क्या होता है बच्चों, एक instrument होता है,
राइट। आगे डेफिनेशन है इसकी। सेक्सटेंट, अब देखो बच्चों यहाँ हमने पैराफिन पढ़ा था, कलरलेस फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड जिसमें रखते हैं उसके बैरल्स जिसमें इसको रखा जाता है। सेक्सटेंट अभी हम पढ़े, एन इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्री फॉर टेकिंग एल्टीट्यूड एंड नेविगेशन। वो 60 डिग्री जो है उसमें आर्क बना रहता है, राइट। तो एक इंस्ट्रूमेंट है। कैरिकेचर्स अभी हम पढ़ेंगे इसको, ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन कार्टून टाइप के। टॉजल्ड हेड मीन्स दिस अरेंज हेयर इधर उधर बिखरे हुए। ब्लीक मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड लैकिंग वेजिटेशन, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, कम होती है, उसको बोलते हैं ब्लीक। स्टार्क मीन्स शार्पली डिफाइंड। एंकर्ड मीन्स मोर अ शिप टू द सी बॉटम। ऑफ शोर मीन्स सिचुएटेड एट द सी कम सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर। अशोर मीन्स ऑन द शोर ऑफ द लैंड। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल पॉजिटिव कॉन्फिडेंट। तो सेक्सटेंट क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्री फॉर टेकिंग एल्टीट्यूड एंड नेविगेशन। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग, अब वो कोशिश कर रहे थे रीडिंग लेने की सेक्सटेंट से, इंस्ट्रूमेंट से। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजिशन। और किस जैसे उन्होंने मैनेज करा अपनी पोजिशन, देखी कि कहाँ पे, क्योंकि इतना वास्ट सी है, तो विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट वो ट्राई कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में है या कितने डिग्री पे है। और ये भी देखा उन्होंने, ही वर्क ऑन विंड स्पीड कितनी है, चेंजेस ऑफ कोर्स चेंज हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा अभी हमने पढ़ा विंड इजिंग धीरे हो रही थी स्पीड। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 60 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब इतना वास्ट सी था 150,000 किलोमीटर, अब उन्हें लग रहा था कि वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, और वहां से वो क्या देख रहे थे बच्चों, 65 किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड। क्लियर? तो अभी भी उनको कितना डिस्टेंस कवर करना था, इट इज नॉट इजी। क्या इजी है बच्चों? उस समय जो है क्योंकि इतना जो है वेदर का पता नहीं चल रहा कब चेंज हो जाए, वर्स हो जाए, तो इट वॉज नॉट इजी फॉर देम टू कवर। पर उनको एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो गया था कि वहां से क्या दिख रहा था उन्हें, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और जितना आज पढ़ा है और जितने भी की पॉइंट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर उनको भी आप पढ़ेंगे और वहां पे जो फैक्ट्स दिए हैं उनको भी अगर कवर करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो रिवाइज द पॉइंट्स जो भी दे हैं गिवन इन द आफ्टर द पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बाद कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको रिवाइज करें, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।